लेकर दावे हैं कि यहाँ तर्क काम नहीं करता, विज्ञान काम नहीं करता। दावा है कि यहाँ एक ऐसी ओखली है जिसमें जितना भी पानी डाला जाए वो नहीं भरती है। चाहे कितना भी पानी डाल लो, 50, 100 या फिर 500 मटके, या फिर छोड़ो गिनने की भी क्या जरूरत। सुबह से शाम तक हजारों लीटर पानी बहा लो, लेकिन ये कुंड नहीं भरेगा, मतलब नहीं भरेगा। माता जी का चमत्कार है, उसको हमने बिलीव किया है, पूरी तरह से किया है। हाँ, ये चमत्कार है। इससे बड़ा चमत्कार आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मुझे तो बिलीव है कि ये चमत्कार है, क्योंकि इतने छोटे जगह में हो ही नहीं सकता है कि पानी ओवरफ्लो ना हो। दावा बड़ा है, लेकिन उससे भी बड़ी है देवी के चमत्कार की ये कहानी। कहते हैं ये कुंड पाताल लोक के एक दैत्य के मुंह से जुड़ा है, और सारा पानी वो राक्षस पी जाता है। चलो मान लिया कि कहानी तो कहानी ठहरी, लेकिन कुंड तो हकीकत है, जिसकी गहराई 1 फीट है, जिसका तल साफ नजर आता है, जहां ना कोई सुराख ना ही कोई पाइपलाइन। तो फिर कहां चला जाता है सैकड़ों लीटर पानी? आधी हकीकत आधा फसाना। तो पानी आखिर जाता कहां है? धरती निगल जाती है या आसमान खा जाता है? आज के जमाने में हम खुद को लाख मनाएं, लेकिन यह बात हजम नहीं होती कि पानी का गायब होना किसी राक्षसी ताकत से जुड़ा है। पहली नजर में लगता है कि उस कुंड में जरूर कोई सुराख होगा, नीचे कोई पाइपलाइन होगी, जमीन के नीचे कोई कुआं होगा जहां पानी समा जाता है। लेकिन थोड़ी पड़ताल की तो धाम से जुड़े लोगों ने कहा कि अकेले आप ही अकलमंद नहीं है। ये सोचने वाले न जाने कितने आए कितने चले गए, मगर चमत्कार की कहानी नहीं पलटी। लेकिन हम भी जिद ठान कर आए थे कि जब तक उस रहस्य को सुलझा नहीं लेंगे यहां से जाएंगे नहीं। आपको बताएं कि भाटुंड के माता शीतला मंदिर की क्या खासियत है, एक छोटी सी एक्टिविटी हम आपके साथ करना चाहेंगे। ये आप तमाम बर्तन मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ लोटे यहाँ हैं, कुछ मटके हैं। ऐसे में ये एक मटका, एक लोटा मैं ले रही हूँ और ये लोटा खाली है। ये एक पानी से भरा हुआ लोटा है, इसमें मैंने पानी डाला। तो ये भर गया, जितनी इसकी कैपेसिटी है उतना पानी डालने पर ये भर गया है। जैसे ही इसकी कैपेसिटी से बाहर मैंने पानी डाला तो ये ओवरफ्लो हो रहा है। अब आप इसमें कहेंगे कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ये जो आपने देखा ये है तर्क, लेकिन भाटुंड के माता शीतला मंदिर के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर भी एक ओखली है जो तकरीबन 1 फीट से 1.25 फीट गहरी है, उसमें जितना भी पानी डाला जाए वो कभी नहीं भरती। वो ओखली नीचे से उसमें एक पक्की सतह है, ऊपर से उसमें हजारों लीटर पानी डाला जाता है पर वो फिर भी नहीं भरती। ये आस्था का दावा है। आज हम चलेंगे पाली के भाटुंड गांव में और जानेंगे कि जिस चीज का लोग दावा कर रहे हैं उसमें असल में कितनी हकीकत है। जरूर कुंड का सारा पानी किसी और रास्ते से बह जाता होगा, नहीं तो कोई जुगाड़ लगाया गया होगा। कुछ ना कुछ कारण तो जरूर होगा, नहीं तो 1 फीट गहरा कुंड तो एक बाल्टी पानी से ही भर जाए, इसमें हजारों लीटर पानी की क्या जरूरत। लेकिन कहते हैं देवी के इस धाम में ऐसी सोच वाले हमेशा गलत साबित हो जाते हैं। अब इस रहस्य को सुलझाने की चुनौती हमारी टीम को मिली थी।
अंदर देवी की प्रतिमा संगमरमर की बनी थी, लेकिन चमत्कार इस मूर्ति में नहीं, मूर्ति के नीचे बने इस कुंड में। मुहाना देखकर ही लग रहा था कि यह बेहद छोटा है, गहरा होगा भी तो कितना, अब इतना तो नहीं कि हजार मटके पानी डालने पर भी नहीं भरे। लेकिन लोगों ने कहा कि हर साल दो बार यह चमत्कार होता है, कम से कम 1000 मटके अंदर जाते हैं, 4 आदमी अंदर खड़े रहते हैं दो बार, वो अगर वो थक जाए ना तो दूसरे 2-4 आदमी हम तैयार रखते हैं। ये तो स्पष्ट हमारे सामने है कि हजारों लीटर पानी इस ओखली में समा रहा है, एक छोटी सी ओखली में, और वो लगातार अंदर जा रहा है, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे जा रहा है। अपन इतनी छोटी सी साइज में अगर कोई पानी डालेंगे, दो दो घड़े एक साथ डाले और इतनी तेज गति से वो पानी अंदर जाता है, जबकि नीचे ऐसा भी नहीं है कि नीचे सरफेस नहीं है, नीचे तो पूरा तल है और वो भी एक कठोर पक्का तल है। ये चमत्कार कोई 10-20 साल से नहीं बल्कि 800 सालों से हो रहा है, लेकिन कैसे, इस धाम में ऐसा क्या हुआ था जिससे ये कुंड चमत्कारी हो गया? ये कहानी जुड़ती है एक दैत्य से। बताते हैं कि 800 साल पहले गांव में एक राक्षस का आतंक था। राक्षस से परेशान होकर गांव वालों ने देवी की आराधना की। गांव वालों की परेशानी देखकर माता ने उस दैत्य का वध कर दिया। शीतला माता ने विजय प्राप्त की, पर उसमें उनका रौद्र रूप हो गया था, तो उनको शांत करने के लिए उनको जल की जरूरत थी, तो उनको शीतल जल दिया गया। और माता जी से पूछा कि माता जी अभी हम क्या करें, तो आपने इसका राक्षस का वध तो कर दिया, तो बोलते मैं इसको अपने पैर में दबा के यहीं बैठ रही हूँ, ये आपको कभी तंग नहीं करेगा, मैं इसको अपने पैर में दबा रही हूँ, यहीं रख रही हूँ, और आप एक काम करो, अब साल में कम से कम 2 बार इनको जल चढ़ाओ, जिससे ये शांत रहेगा, तृप्त रहेगा, और आपके गाँव में जो भी है खुशहाली रहेगी। कहते हैं उसके बाद से ही देवी को साल में 2 बार पानी चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है, जो सीधे नीचे पाताल में लेटे दैत्य के मुंह में भरता जाता है, इसलिए कुंड पानी से खाली रहता है। हम तो इसे एक पौराणिक कथा मानते हैं, तो धाम से जुड़े लोगों ने चुनौती दी, कहा कि कहानी मानते हो तो साबित करके दिखाओ कि कुंड में डाले जाने वाला पानी कहां जा रहा है, ये भरता क्यों नहीं। किसी के दिमाग में ये प्रश्न आए कि ऐसा नहीं होता है और पानी नहीं जाता होगा, या पानी और कहीं जाता होगा, तो वो यहाँ आए बाटून में, ये राजस्थान के पाली जिले में बाटून गांव है, प्रसिद्ध गांव है, पाली जिले आते ही आपको इसको संपूर्ण साक्षर गांव घोषित किया हुआ है जिले का, तो यहाँ आए और मंदिर में अपनी आंखों से देखें कि किस तरह से हजारों लाखों लीटर पानी एक छोटी सी ओखली में जाता है, वो घूमे इस मंदिर के चारों तरफ गलियां हैं और वो चारों तरफ जाएं और देखें कि पानी कहीं से भी निकलता नहीं है, इतना पानी जाता है, सारी नालियां सूखी पड़ी हैं, पानी अंदर ही जाता है। पानी कल भरा जाएगा। अगले दिन जब हम मंदिर पहुंचे तो तस्वीर बदली हुई थी, धाम के बाहर मेले जैसा नजारा था। महिलाएं मटके लेकर पहुंचने लगी थी, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गांव भर की तमाम औरतें 16 श्रृंगार करके मंदिर में आती हैं, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अपने सरों पर अपने घर से जल लेकर आती हैं, ये जल शीतला माँ को यहाँ चढ़ाया जाता है। तमाम जो गांव की औरतें हैं आज वो सब संभल कर मंदिर में आ रही हैं और जल लेकर आ रही हैं। कुंड भरने की शुरुआत एक बच्ची से हुई, इसके बाद तो सिलसिला ही शुरू हो गया। मान्यता है, और हम आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि ये जल आखिरकार
20 से 30 मटकों का पानी कुंड में डाला जा चुका था। भरना तो दूर, पानी की सतह ऊपर तक भी नहीं पहुंची। अब तो सुराख वाला शक भी दूर हो चुका था। जब पानी का लेवल ही सुराख के नीचे था तो वहां से बहने का सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर रहस्य क्या है? हमारे इस सवाल पर महिलाओं ने कहा कि ये रहस्य नहीं, देवी का चमत्कार है। बचपन से मैं भी पानी डालने आ रही हूँ। पहले मम्मी के साथ आती थी और अभी भी आती हूँ। आज भी जैसे हम आए थे और ये घड़ा कभी मैंने, ये जो ओखली है वो कभी भरते हुए तो देखी ही नहीं है। कभी नहीं भरती, चाहे कितना भी पानी आप डाल दो इसमें, पता नहीं क्या है इसमें। तो आप मानती हैं चमत्कार है? हाँ मानती हूँ मैं। हम पढ़े लिखे लेकिन फिर भी हम मानते हैं, जो कुछ भी है वो सब सच है। जो भी आप देख रहे हैं वो सब देखा हुआ, मतलब आंखों देखे है, सब हम देख सकते हैं। इसमें कोई झूठ नहीं है, जो भी देखते हैं वो सब देखने लायक है। आपको लगता है चमत्कार? चमत्कार, हाँ ये चमत्कार है, क्योंकि ये भगवान है ना, हमारे लिए जो भी हम मांगते हैं ना, हर इच्छाएं पूरी होती है हमेशा। इसके अंदर हाफ फीट का जो एक छोटा सा कुंड है, उसके अंदर पूरे गांव की बहुत सारी जितनी भी लेडीज हैं वो आके पानी पिलाती है और वो फुल ही नहीं होता है, मतलब पानी अंदर चला ही जाता रहता है। एक छोटे से कुंड के अंदर पानी फुल होता ही नहीं है, ओवरफ्लो होता ही नहीं है, तो कंटिन्यूस वो पानी चलता रहता है। आपको क्या लगता है, चमत्कार है कि अंधविश्वास? मुझे तो बिलीव है कि चमत्कार है, क्योंकि इतने छोटे जगह में हो ही नहीं सकता है कि पानी ओवरफ्लो ना हो। अभी तक 100 मटकों से ज्यादा पानी डाला जा चुका था। ओवरफ्लो तो दूर, पानी का लेवल अब भी नीचे था। अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए कुंड की गहराई का पता लगाना जरूरी हो गया, लेकिन अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, लिहाजा हमने बाहर से ही अंदाजा लगाया। ये जितनी गहरी आप यहाँ से अंदाजा लगा रहे हैं, हमें बताया गया है कि तकरीबन 1 फीट से लेकर 1.25 फीट ये गहरी है। और आप देख सकते हैं जो पंडित जी हैं वो गहराई हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ज़्यादा गहरा नहीं है। इनके हाथ को भी अगर आप देखेंगे, ये बता रहे हैं कि तकरीबन 1 फीट से 1.25 फीट के बीच की ये पूरी गहराई है। यानी कि इसकी गहराई इतनी ही है, चौड़ाई का अंदाज़ा आप ऊपर से लगा सकते हैं कि ये हाथ भर की चौड़ाई है। अब करीब 1 फीट गहराई और 0.5 फीट चौड़ाई वाली इस जगह को पानी से भरने में कितना वक्त लगता है ये पता करना था। एक बाल्टी हम यहाँ पर अपने पास लेकर आए हैं और बाल्टी की भी अगर डेप्थ की मैं बात करूं तो डेप्थ अगर हम नापने की कोशिश करें तो इसकी डेप्थ भी तकरीबन 1.25 फीट है। ऐसे में एक मटका भी हमारे पास है, एक लोटा भी हमारे पास है। ये वही बर्तन है जिसमें गांव भर की जो महिलाएं हैं वो आकर पानी डाल रही हैं। हालांकि डेप्थ की बात हमने की, लेकिन गोलाई की बात करें, चौड़ाई की बात करें तो इतना जो ओखली है वो इससे छोटे आकार में है। हम बस दर्शकों को ये बता रहे हैं कि अगर उस ओखली का कोई बेस होता, वो एक बर्तन की तरह बंद होती, तो ये पानी जो यहाँ की महिलाएं अपने घरों से भर कर ला रही हैं, वो शायद इससे पहले ही भर जाता। और अब ये जो मटके का पानी है ये भी मैं इसमें डाल रही हूं और आप देखेंगे कि ये इससे पहले ही भर गया है। यानी कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि ओखली की जो चौड़ाई है वो इससे कम है, लेकिन एक मटका और एक लोटे से भी कम पानी में ये पूरी बाल्टी भर गई है। और सुबह से हम लगातार देख रहे हैं कि 2-2.5 घंटे से महिलाएं जो हैं वो घर से आ रही हैं, इसी तरीके के बर्तन में पानी ला रही हैं, ओखली में पानी डाल रही हैं, लेकिन ओखली नहीं भर रही। ओखली यानी कुंड में अभी तक 250 मटकों से ज्यादा पानी भरा जा चुका था। पानी अभी तक सतह पर ही था। आखिर कहां जा रहा है सारा पानी? जमीन में रिसने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि नीचे की सतह पक्के सीमेंट की है। बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। तो इस कुंड का रहस्य क्या है? हमारी टीम अपनी ही उधेड़बुन में खोई थी, तभी मंदिर में लगी उस पेंटिंग का ख्याल आया, जिसकी एक खास चित्रकारी ने हमें बुरी तरह चौंका दिया। तो क्या था उस पेंटिंग में, मंदिर के चमत्कार का राज या फिर उस रहस्य से जुड़ा कोई बड़ा सुराग? हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मामूली सी दिखने वाली वो पेंटिंग हमें नया रास्ता बताएगी।
जिसकी मदद से हम रहस्य को सुलझाने के बेहद करीब पहुंच गए, लेकिन उस कुंड के रहस्य की गहराई हमारी सोच से भी गहरी निकली। कुंड के चमत्कार की कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म हुई जिसके बारे में धाम से जुड़े लोग भी नहीं जानते। देवी के धाम में लगी ये पेंटिंग बेहद अजीब थी। तभी हमारी टीम का ध्यान इस पर गया। इसमें देवी थी, दैत्य था, देवता भी थे और गाड़ियां भी। तालमेल समझ से परे था, लेकिन इन दो रेखाओं ने हैरत में डाल रखा था, जो धाम से निकलकर बाहर दो जगहों पर जाती दिख रही थी। अब तो माजरा समझना जरूरी हो गया था। संजीव जी, क्या कभी ऐसा हुआ, आपको पुराने इतिहास में मालूम हो कि कभी जांचा गया हो कि सोखली का राज क्या है? यहाँ के जो भी स्थानीय राजा हुए होंगे, ये तो मालूम नहीं कि कौन राजा हुए, लेकिन ये यहाँ पर उन्होंने ही बनाया हो, ये राजाओं के हाथों से ही बना हुआ है, क्योंकि गांव में इतनी कोई संपन्नता नहीं थी कि इतने सब बनाया जा सके। वो अपने साथ अपना पूरी टीम को लेकर के आए इस उखल की जाँच करने के लिए कि आखिर इतना पानी इसमें कैसे जाता है। तो उन्होंने यहाँ पर पास में जो ये दो कुएँ हैं, ये कुएँ आज भी हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, ये बिल्कुल माताजी के मंदिर के पास में ये कुआ है और ये पीछे इस मंदिर के पीछे कुआ है। इन दोनों कुओं से ये देखिए नाली बनाई हुई है और इस नाली से कहते हैं कि दो दिन और दो रात तक इस पे बैलों के रहट जोते गए और दो दिन दो रात लगातार पानी इसके अंदर डाला गया। अब आप अनुमान लगा दीजिए कि इतना पानी औरतें नहीं डाल सकती है, ये लाखों लीटर पानी इसके अंदर डाला गया, लेकिन ये उखली उस समय भी नहीं भरी। इस प्रयोग को सैकड़ों साल बीत चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा ने जो नालियां बनवाई थीं, वो आज भी गुप्त रूप से इस्तेमाल में हो और उन्हीं नालियों से कुंड का पानी बावड़ी में पहुंच जाता हो। अगर ऐसा है तो तालाब इस समय पानी से लबालब भरा होना चाहिए, लेकिन ये क्या, तालाब तो बिल्कुल सूखा था, एक बूंद भी पानी नहीं था। ये वही बावली है जिसका जिक्र लगातार यहाँ हर एक शख्स हमसे कर रहा है। माना जाता है कि जब सिरोही के राज दरबार में इस बारे में जानकारी मिली कि इस तरीके का कोई चमत्कार शीतला माँ के मंदिर में हो रहा है, तो राजा ने उस पर भरोसा नहीं किया और इसी चमत्कार को जांचने के लिए ये बावली और ऐसी ही एक और बावली है जिसका पूरा पानी उस ओखली में छोड़ा गया, नालों के माध्यम से उस पूरे पानी को ओखली में छोड़ा गया देखने के लिए कि क्या ये ओखली भरती है। पर यहाँ की मान्यताओं के हिसाब से वो ओखली तब भी नहीं भरी और राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके चलते मंदिर की जो चार दीवारी है वो उसी राजा ने बनवाई। कुछ यही हाल दूसरे तालाब का भी था। तो धाम के चमत्कार का इस बावड़ी से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर पानी धाम के बाहर बहता तो इस घनी आबादी में साफ नजर आ जाता। फिर पानी कहां जा रहा है? उधर मंदिर में कुंड के अंदर पानी डालने का काम अंतिम दौर में पहुंच चुका था। हजारों लीटर पानी जाने के बावजूद कुंड अभी तक खाली था। फिर कुंड में दूध डालकर अंतिम रस्म भी अदा कर दी गई। दावा था कि दूध डालने के बाद कुंड पानी से लबालब भर जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहां पर दावा गलत साबित हुआ, लेकिन कुंड नहीं भरने का चमत्कार तो हम अपनी आंखों से देख चुके थे। ज्येष्ठ पूर्णिमा में हम भी शीतला माता मंदिर आए और हमने देखा कि किस तरीके से गांव भर की जो महिलाएं हैं अपने घर से पानी लाकर यहां ओखली में डालती हैं और ओखली नहीं भरी, लेकिन खुद हमें न्यूज 18 इंडिया को गर्भागृह में जाने की अनुमति नहीं मिली। इस वजह से ये सारी चीजें क्या 100% सत्य है ये कह पाना हमारे लिए मुश्किल है। ये एक जांच का विषय है जो हमें लगता है कि एक्सपर्ट्स के पास जाकर ज्यादा साफ हो पाएगा कि ये ओखली का राज असल में क्या है, क्या किसी तरीके की कोई खास तरह की मिट्टी है या किस तरीके का कोई पत्थर है, ये सब हमें एक्सपर्ट से पता करना होगा। फिर हम देवी के धाम से निकलकर जयपुर के लिए रवाना हो गए।
हमारी मंजिल थी राजस्थान विश्वविद्यालय का भूविज्ञान विभाग, जहां हमारी मुलाकात एक भूवैज्ञानिक से हुई। हमने धाम से जुड़ी हर तस्वीर को सामने रखा। उन्होंने कुछ समझाया लेकिन हमें समझ में नहीं आया। फिर हमारी टीम को नक्शे और कुछ पत्थर दिखाकर चमत्कार से जुड़ी हर तस्वीर को साफ किया गया। एक्सपर्ट ने पहले गांव और धाम की जमीन के बारे में बताया। एक्सपर्ट के मुताबिक पाली जिले में जमीन के नीचे ग्रेनाइट पत्थरों की भरमार है। पाली का भाटुंद गांव भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन इसका चमत्कार से क्या नाता है? जो कुएं है जिसको जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसको चारों तरफ से ढका जा चुका है। उसमें मार्बल का फ्लोरिंग बनाया है, सिर्फ एक छोटी सी कुएं वहां दिखती है। लेकिन जो मैं देख पाया उसमें, मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेनाइट टेरेन है, जिसके अंदर एक जो शीटेड ग्रेनाइट का है, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर है, और ये जो पानी है जो कि लोगों की अवधारणा कौतूहल की कहाँ चला जाता है, ये पानी उसी शीटेड ग्रेनाइट में उन्हीं फ्रैक्चर्स के थ्रू हॉरिजॉन्टली स्प्रेड हो जाता है। और यही वजह है कि हमें, हालांकि उसकी जो गहराई है बहुत कम है, लगभग डेढ़ या दो फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पर वो पानी इसीलिए उसमें टिकता नहीं क्योंकि वो जो शीट्स हैं उनका जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जितना भी हम पानी डालते हैं वो तुरंत वहाँ एडजस्ट हो चला इधर उधर फैल जाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक देवी के उस धाम का चमत्कार मंदिर के नीचे भूगर्भ में छिपे ग्रेनाइट के पत्थरों में छुपा है। यानी जितना पानी कुंड में डाला जाता है वो जमीन के नीचे ग्रेनाइट पत्थर की दरारों में फैल जाता है। जानकार के मुताबिक कुंड के नहीं भरने की यही वजह है। वैज्ञानिक व्याख्या के मुताबिक कुंड में रोज हजारों लीटर पानी डाला जाए तो असलियत खुद सामने आ जाएगी, लेकिन ये पूजा साल में केवल दो बार होती है और उतना पानी भूगर्भ में दबे पत्थरों के बीच ही सूख जाता है। विज्ञान के तर्क अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन धाम के महज एक फीट गहरे कुंड का पानी भूतल के पत्थरों तक कैसे पहुंच जाता है? आस्था और विज्ञान कभी एक दिशा में नहीं चलते। हमारा काम न विज्ञान को सही ठहराना है न आस्था को। हमारा काम तो ऐसी अनोखी जगहों, ऐसी अनोखी कहानियों और उनसे जुड़े हर पहलू को आप तक पहुंचाना है। बस आज के लिए बस इतना ही।